आई की अगर बात करें तो ह्यूमन आई की स्टडी क्या कहलाती है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है, ठीक है। आई की अगर बारे में बात करूँ गुड़िया, तो ये आई का फिगर है, ठीक है। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? स्क्लेरा। क्या होती है? स्क्लेरा। स्क्लेरा बना किसका होता है? वाइट फाइब्रस कनेक्ट टिश्यू का। और फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होती है। क्या होती है? प्रोटेक्शन। स्क्लेरा का बेटा बात करें एंटीरियर पोर्शन ऑफ जो आई होता है, आई का आगे का भाग होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया कोई दीदी बोलते हैं हमारे पास क्या? आई डोनेटिंग पार्ट। क्या बोलते बेटा? आई डोनेटिंग पार्ट। आई डोनेटिंग पार्ट दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसा होता है? नॉन वैस्कुलर। इसमें ब्लड की सप्लाई क्या होती है? एब्सेंट होती है। समझ पा रहा हूँ? ब्लड की सप्लाई क्या होती है इसमें? ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, हाँ कि ना। ये क्या होता है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा। इस सेकंड पोर्शन की बात करो, आई का जो गुड़े बात करें हमारे पास इनर मोस्ट सेकंड लेयर होती है, वो क्या होती है? कोरोइड। कोरोइड को रेड कलर से बनाने का पर्पस इतना था कि ये कैसा होता है? वेस्कुलर होता है। क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल की क्या होती है गुड़े बात करें? सप्लाई होती है, मतलब ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है। तो बोला वेस्कुलर लेयर है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है गुड़िया? प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ओ टू टू रेटिना, मतलब ये अंदर वाली लेयर को रेटिना को क्या देता है बताओ बेटू बात करें? ये हाँ गुड़िया, एक तो देता है क्या? ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा, और एक दूसरा क्या देता है? न्यूट्रिशन। समझ पा रहे? साथ में क्या होता है अगर लाइट इंटरनल अगर मतलब बात करें यहाँ से कहाँ से इंटर करें? रेटिना, रेटिना टू कोरोइड, कोरोइड टू स्क्लेरा। तो अगर गुड़िया बात करें लाइट बाहर रिफ्लेक्ट होकर आती है, समझ पा रहे? तो अगेन क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज की फॉर्मेशन को अगेन मतलब पीछे से जो बैक साइड से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको रोकता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब रिफ्लेक्टिंग लाइट। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लेयर क्या होती है? रेटिना। रेटिना क्या है? इनर मोस्ट थर्ड लेयर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव लेयर होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? ये तीन सेल की बनी होती है, तो मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ सेल या थ्री सेल। समझ पा रहे? अगर अंदर से बाहर की बात करें, ये क्या है? इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, या आई आँख क्या बाहर जा रहे हैं, तो ये आउटसाइड है और ये क्या है? इनसाइड है। तो ये आउटसाइड की है, ये इनसाइड है, और ये देन दीदी बात करें हायर इनसाइड। समझ पा रहे हो? यहाँ जरा देखो क्या आएगा, फोटो रिसेप्टर सेल कहाँ होती है? सबसे अंदर होती है। उसके बाहर की तरफ आओ तो क्या होती है? बाइपोलर सेल होती है, वो फिर क्या होता है? गैंग्लियर सेल होती है। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि रेटिना के अंदर थ्री टाइप ऑफ सेल होती हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल और गैंग्लियोनिक सेल। फोटो रिसेप्टर सेल की बात करें अगेन टू टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल से बनी होती है, रॉड और कॉन्स। रॉड का फंक्शन क्या होता है? डिम लाइट देखने में हेल्प करना, मतलब डिम लाइट में हेल्प करना। तो डिम लाइट अगर विजन की बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें? स्कोटोपिक विजन, या बोलते हैं ट्विलाइट विजन। समझ पा रहे? कॉन्स की बात करो तो कॉन आपको ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करती है, डे लाइट में देखने में हेल्प करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं फोटोपिक विजन, एक बोलते हैं इसको अपन क्या, और क्या बोल सकते हैं इसको गुड़िया बात करें? ब्राइट लाइट विजन, हाँ कि ना। साथ में ये किस में गुड़िया हेल्प करती है? कलर के डिफ्रेंशिएशन में, मतलब जो कलर में परसेप्शन कर पाती हो, ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, वो किसकी वजह से कर पाते हैं? कॉन्स की वजह से, हाँ कि ना। तो अपन ने फिर यहाँ लिखा है ये किस में हेल्प करती है? हेल्प इन विजन। थर्ड इसका जो फंक्शन है वो है इमेज फॉर्मेशन, मतलब आपकी आँख पर, आई पर जो इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर। तो इमेज कैसी बनती है आपके अंदर? एक स्मॉल इमेज बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? स्मॉल, रियल और इन्वर्टेड। मतलब ये तीन करेक्टर जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यही बात करें अपन फिजिक्स में तो अपन कहाँ पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट दीदी बात करें जो आपका कैमरा है, कैमरे की तरह काम करती है आपकी आई, ठीक है। या जो आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हो, टेलीस्कोप पढ़ते हो, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? स्मॉल बनेगी, साथ में कैसी बनेगी? रियल बनेगी, और कैसे बनेगी? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। समझ पा रही? ये कंडीशन है। फिर आपने देखा गुड़िया बात कर हमारे पास क्या होता है, देखो कोरोइड। कोरोइड की गुड़िया बात कर जो एंटीरियर पोर्शन की बात करो, जैसे स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया कहलाता है, वैसे बेटू बात करें कोरोइड का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से क्या इमर्ज होता है, क्या दीदी बात कर निकलता है? एक तो निकलता है आयरिश, और दूसरा गुड़िया निकलता है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है? लेंस को होल्ड करना। समझ पा रहे? मतलब लेंस अपनी जगह पे फिक्स रहे, इसको गुड़िया बात करें कौन मेंटेन करेगा? सस्पेंसरी लिगामेंट। समझ पा रहे? दूसरी कंडीशन क्या होती है, आंख में जब गुड़िया बात कर लाइट एंटर करती है तो लाइट तो बहुत सारी भी जा सकती है, तो लाइट की इंटेंसिटी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारे पास आयरिस। आयरिस का गुड़िया बात करें वो पोर्शन जहाँ आयरिस एब्सेंट हो तो उसको अपना नाम देते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? लाइट एंटरिंग पाथ। क्या है बताओ? लाइट एंटरिंग पाथ बोल सकते हो आप। समझ पा रहे? ये कंडीशन है। आयरिस जो होती है, देखो अपने क्या लिखा, आयरिस। आयरिस गुड़िया क्या होता है? कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। आपको पता है ब्लैक कलर की आई किसी की दिखाई देती है, आपको जो व्हाइट कलर के बीच में ब्लैक कलर का पोर्शन, या फिर बात करें ब्लू कलर का पोर्शन, जो आप लेंस लगाते हैं ना डिफरेंट कलर की आप आई देखते हो, तो वो आई में आप देखते क्या है? आयरिस देखते हैं। तो आयरिस क्या है? कलर्ड पोर्शन ऑफ आई। समझ पा रहे? इसका फंक्शन क्या है? फॉर्मिंग ऑफ प्यूपल, मतलब प्यूपल इसी के द्वारा बनाया जाता है। प्यूपल है क्या रियल में? कोई एक
एग्जैक्ट प्यूपल अगर हम बात करें कोई एक हमारे पास रीजन नहीं है या गुड़े बात का कोई ऑर्गन्स नहीं है, प्यूपल है बस, प्यूपल है क्या, प्यूपल है एब्सेंस ऑफ आयरिस, जहाँ आयरिस नहीं उसको अपने क्या नाम दिया, प्यूपल नाम दिया, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, रेगुलेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन आई, आई के अंदर एंटर करने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या करता है, रेगुलेट करता है, समझ पा रहा। यहाँ पे गुड़िया आपने देखा कहाँ पे, सीलियरी बॉडी और कहाँ पे बेटू बात कर, ये देखो कॉर्निया के जंक्शन पे आपने क्या बनाया, यहाँ पे कैनाल ऑफ सलीम, कैनाल ऑफ सलीम क्या करता है गुड़िया बात करें, आई से बाहर जो लिक्विड निकलता है उसके निकलने का पाथ है ये, समझ पा रहे। आपकी आंखों से बाहर जो लिक्विड निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, टीयर बोलते हैं, आंसू, समझ पा रहे। तो वो कहाँ से निकलती गुड़िया बात करें, कैनाल ऑफ सलीम से, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब जरा आपने क्या देखो, ये देखो ये जो बात है आपने क्या बोला, कॉर्निया के ऊपर एक पतली लेयर होती है, समझ पर स्किन की, इसको अपन बोलते हैं क्या, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, थिनेस्ट एपिडर्मिस या थिनेस्ट स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की गुड़िया अगर बात करें सबसे पतली स्किन कहाँ होती है, कॉर्निया के ऊपर होती है, जिसका नाम क्या है, कंजक्टिवा। जबकि अगर आप बात करें सबसे थिक लेयर कहाँ होती है, सबसे थिक स्किन कहाँ होती है, तो आपको पता दीदी बात करें सोल ऑफ, दीदी बात करें क्या, लिम्ब, समझ पा रहे, पैर के गुड़े बात करें जो सोल होता है याद है आपको, नीचे का पोर्शन होता है, तो वहाँ थिकेस्ट क्या होती है, स्किन होती है। एक जरा देखो, लाइट इंटर की, लाइट यदि इंटर की तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट इंटरिंग पाथ, या इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। लाइट गुड़े बात करें डायरेक्ट इंटर की लाइट में अगर आँख में, समझ पाए, तो वो सीधे मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहाँ गिरती है गुड़े बात करें, सेंटर पोर्शन ऑफ आई, आई की एकदम सेंटर पोर्शन पर गिरती है, समझ पा रहे। और वहाँ गुड़े बात करें जो रेटिना का पार्ट होता है वो हल्का सा किस फॉर्म में रहता है गुड़े बात करें, बताओ, एक कैविटी फॉर्म में रहता है, समझ पा रहे। इस कैविटी को अपन नाम यहाँ पे क्या देते हैं, फोबिया सेंट्रलिस, या बोलते हैं यहाँ पे मैक्यूला लुटिया, या बोलो यहाँ पे कलर इसका कैसा होता है, येलो कलर का दिखाई देता है, तो अब इसको नाम क्या देते हैं, येलो पॉइंट, क्या बोलते हैं। इस रीजन में गुड़े रेटिना के केवल इस रीजन में आपको यहाँ पे कॉन्स मिलेंगी, यहाँ पे रॉड क्या होती है, एब्सेंट होती है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट विजन, आपकी आंख में सबसे अच्छा गुड़िया बात करें जो विजन होता है या सबसे क्लियर जो विजन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है एकदम सेंटर पोर्शन पे, समझ पा रहे। और उस पोर्शन का नाम क्या है, मैक्यूला ल्यूटिया या फोबिया सेंट्रलिस, या गुड़िया उसको बोलते हैं अपन क्या, येलो पॉइंट, समझ पा रहे हो। ये कंडीशन होता है, तो अपन लिखा है क्लियर एंड डिस्टिंक्ट विजन ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्न सेल आर प्रेजेंट, हाँ कि ना हेयर, इस रीजन में, क्लियर है कि नहीं। अब आपको पता है बेटा बात करें कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टी गुड़िया किसी भी सोर्स से अगर लाइट आ रही है, चाहे यहाँ पे टॉर्च रखो या सनलाइट रखो, कोई भी हो सोर्स, तो लाइट की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, डाइवर्स होने की होती है, ना कि कन्वर्स होने की, लाइट फैलती है। तो गुड़िया बात कर, लाइट ऐसा नहीं कि यहीं पर गिरेगी, पूरे आपके इस पोजिशन पर लाइट गिरेगी, समझ पा रहे। पर मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट कहाँ गिरती है, यहाँ गिरती है, तो आप इसमें भी देखते हो, समझ पा रहे। आप अगर रीजन की बात करो, सेंटर पोजिशन की बात, तो सेंटर पोर्शन में कौन, रेटिना के अंदर, ये रेटिना है, रेटिना के अंदर क्या होती है बताओ, फोटो रिसेप्टर सेल कौन, जो कहाँ पर होती है, सेंटर में सबसे ज़्यादा होती है, तो मतलब क्लियर विजन होगा। और जैसे बेटा पेरीफेरी की तरफ जाते हो, मतलब अपन कहाँ जाते हैं, पेरीफेरी की तरफ, भैया बाहर अपन बोल सकते हैं कहाँ, सेंटर को छोड़ दो, तो गुड़िया अपन लेटरल रीजन की तरफ जा रहे हैं, लेटरल रीजन में कौन का नंबर कम होता है और रॉड का नंबर बढ़ता जाता है, समझ पा रहे। वैसे आपकी रेटिना में रॉड ज़्यादा नंबर में होती है कंपेयर टू कौन, समझ में आ रहा है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं गुड़िया बात कर, मोस्ट सेंसिटिव अगर कोई सेल है तो वो कौन सी होती है, रॉड्स होती है, क्योंकि वो डिम लाइट में भी देखने में हेल्प कर देती है। जबकि कौन को अगर गुड़िया बात करें, कौन देखने में अगर हेल्प करती है तो उसको ब्राइट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको तेज लाइट चाहिए पड़ती है, समझ में आ रहा है। ये कंडीशन है। फिर आपने क्या बोला गुड़िया बात करें कि जब लाइट गिरती है रेटिना के ऊपर, तो रेटिना का फंक्शन क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, समझ पा रहे हो। किसमें गुड़िया बात करें, केमिकल मतलब ये किसके फॉर्म में चलता है गुड़िया बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल के फॉर्म में, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से गुड़िया बात करें, लाइट एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में चलती है, किसके फॉर्म में चलती है, पोटेंशियल के फॉर्म में, समझ पा रहे, करंट के फॉर्म में। तो ये बेटू बात करें किसके द्वारा जाएगी, नर्व के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा। बे न्यूरॉन जो गुड़िया बात करें किसको, आपके लाइट सिग्नल को कहाँ तक ले जाते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उनको अपन नाम देते हैं ऑप्टिक नर्व, क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आपकी आई के जिस गुड़िया रीजन से पास होता है, समझ पा रहे, और कहाँ में जाने के लिए, ब्रेन में जाने के लिए। तो गुड़िया बात करें उस रीजन में ना तो कोई रॉड्स होती है ना ही कोई कॉन्स होती है, उसको आप क्या नाम देते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट नाम क्यों दिया, क्योंकि यहां पे आपने क्या बोला, नो इमेज फॉर्मेशन, यहां पे आपकी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। और इमेज फॉर्म क्यों नहीं होती है, क्योंकि ना तो यहां पे रॉड्स होती है ना ही कॉन्स होती है, बिकॉज रॉड एंड कॉन्स बोथ आर एब्सेंट हियर, समझ पा रहे हो। तो इसलिए अपने क्या बोला, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट में क्या लिखा है, ऑप्टिकल नर्व इमर्जिंग पाथ। यहाँ पे क्या है बताओ, कौन सा पाथ है, जहाँ से ऑप्टिक फाइबर निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन में। ब्रेन के भी किस रीजन में, विजुअल रीजन में, जिसका नाम है विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स में हम क्या करते हैं, जो गुड़िया आपने देखा है या जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आँख में एंटर की थी, समझ पा रहे, तो उसका क्या करते हैं, अपन एनालिसिस करते हैं और इमेज हमारे अंदर क्या होती है, फॉर्म होती है। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हमारे पास क्या था, आई था।
फिर आपने क्या बोला, ये वाला पोर्शन कौन सा, रेट हमारे पास लेंस और रेटिना के बीच का जो पोर्शन है, इसको अपन क्या नाम देते, गुड़िया बात करें, इसको अपन देते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रियस चैम्बर। इस एरिया को तो बोलते हैं विट्रियस चैम्बर, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड भरा है इसको अपन क्या नाम देते हैं, विट्रियस ह्यूमर। समझ पा रहे, अपन ने बोला विट्रियस चैम्बर क्या है, ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड को अपन क्या नाम देते हैं, विट्रियस ह्यूमर। क्या नाम देते हैं बेटा, विट्रियस ह्यूमर। और ये विट्रियस ह्यूमर का सिक्रेशन और फॉर्मेशन, सिक्रेशन और सिंथेसिस या फॉर्मेशन कौन करता है, सीलरी बॉडी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये कंडीशन है। अब इसके अंदर सोचो, अगर ये लिक्विड ना होता तो गुड़िया बात करें कि आपकी आँख इस शेप में रहती, बिल्कुल नहीं रहती। मतलब ये गुड़िया जो लिक्विड है वो लिक्विड प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, आई बॉल के ऊपर, और आई एक शेप और साइज को क्या करती है, गेन करती है। यहाँ पे गुड़िया बात करें, जो लिक्विड के द्वारा प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसकी वैल्यू होती है 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। समझ पा रहे, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्यूलर प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑक्यूलर प्रेशर। ये वो प्रेशर है गुड़िया किसका, विट्रियस ह्यूमर का, जो विट्रियस ह्यूमर के द्वारा आई बॉल पे क्रिएट किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, जिसकी वजह से आई का क्या होता है, एक शेप होता है। समझ पा रहे हो। साथ में अपने क्या बोला गुड़िया, लेंस और कॉर्निया के बीच का, चाहे ये स्पेस हो चाहे ये स्पेस हो, इसको अपन क्या नाम देते, इन पूरे स्पेस को अपन क्या नाम देते यहाँ पे, एक्वस चैम्बर। क्या देते, एक्वस चैम्बर। और इसके अंदर जो लिक्विड है उसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है, सीलरी बॉडी करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा आई का फिगर है। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, तो ये हो जाता है, ठीक है ना। रुको जरा, अभी देखो सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी के अगर फंक्शन की बात करें तो सीलियरी बॉडी गुड़िया बात करें क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर। साथ में अपन ने क्या नाम दिया, फॉर्मेशन ऑफ, गुड़िया बात करें लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, ये इससे निकलते हैं, ठीक है ना, सीलियरी बॉडी। तो बाकी आपको सब कुछ आ चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कुछ पूछना है, ठीक है, चलो।